दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टैंक्स पे। आज मैं आपको टेरेरियम कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए जो भी मटेरियल लगेगा उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इजीली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं एक एनक्लोज एनवायरनमेंट। तो उसके लिए पहले हमें लगेगा एक फॉल्स बॉटम के लिए उसकी जगह प्लास्टिक लगेगा और एक जार भी लगेगा। तो जार के साइज़ का एकदम वो प्लास्टिक कट कर लीजिए। आपकी जो भी कंटेनर रहेगी उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी बना के कट कर लीजिए ताकि वो स्नग फिट हो जाए। और जो हम लोग जो इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें आपको तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप मुझे फॉलो कीजिए। जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे आप बनाइए। अभी आप प्लास्टिक को कट कर लीजिए अच्छे से, एकदम सही से। जैसे कि मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। इसके बाद हम लोग इसमें अच्छे से होल्ड करेंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से ड्रिप हो जाए, ना कि पूरी सॉइल उसके अंदर चली जाए। आप अच्छे से थोड़े बड़े होल की पोक कर ले तो काफ़ी रहेगा, सही रहेगा उसके लिए। अभी ये फ्लास्क बनाया है ताकि जब हम फॉल्स बॉटम की ग्रेवल डालेंगे वो यहाँ हवा बॉटल पे ना लगे, इसके लिए ये फनल बनाया। आप भी फनल का ही इस्तेमाल कीजिए अगर आपके हाथ उस जार में नहीं जा रहे। ये जार का ज़रा जो ओपनिंग है वो छोटी है, इसके लिए मैंने ये फनल लगाया है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फॉल्स बॉटम डाल रहा हूँ। फॉल्स बॉटम डालने के बाद उसको अच्छे से एक बार फैला लीजिए आप। उसके बाद ये हमने जो पहला कवर कट किया था उसको अच्छे से डाल दीजिए, अच्छे से उसको फिट कीजिए। जैसे मैंने जैसे बोला ये जार थोड़ी बड़ी है, इसके लिए ये थोड़ा DIY टूल जो मैंने बनाया है मेरे लिए तो काम कर गया। आपके लिए बना लो कोई भी स्टिक लेके। इसके बाद हम लोग चारकोल ऐड करेंगे, वो फाइनल प्रोसेस से ऐड करेंगे चारकोल, ताकि चारकोल प्यूरिफिकेशन बना रहे और आपके जो टेरेरियम में उसमें से गंदी स्मेल ना आए। तो पानी अच्छे से डिस्टिल होके ही उस फॉल्स बॉटम में रहेगा और शाम में इवेपोरेट होकर ग्लास पे जमा हो जाएगा। अभी हम लोग सॉइल ऐड कर रहे हैं जिसमें आपके जो मॉस है, प्लांट्स है, वो रूट पकड़ के ग्रो होंगे। ये एक स्पेशल टाइप की सॉइल होती है जिसमें एरिएशन अच्छे से होता है, जिससे कि जो पानी है वो फॉल्स बॉटम में जाता है। अपनी नॉर्मल पॉटिंग सॉइल यहाँ काम नहीं करेगी। ये कुछ पत्ते हैं ताकि आगे चल के जो स्प्रिंग टेल ऐड करेंगे तो उनके लिए खाना होता है। एज मैं यहाँ पे फूड ऐड नहीं कर रहा तो ये उनके लिए खाने का काम करेगा ताकि वो इन पे फीड कर पाए। ये थोड़ी और सॉइल डालिए। आप अच्छा होगा अगर आप उसे बीच वाले सेक्शन में डालें उन पत्तियों को, जैसे मैंने डाला। अभी इधर मैं हार्डस्केप लगा रहा हूँ। आप जो गोल्डन रेशियो है उसको फॉलो करके ही बनाइए। एक्चुअली मुझे याद था गोल्डन रेशियो बट मैं भूल गया। आप गूगल कर लीजिए और थोड़ा इनको आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने स्प्रिंगटेल ऐड कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो ये छोटे छोटे स्प्रिंगटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके टेरेरियम में जो भी मोड़ लगेगा वो सभी खा जाएंगे, जिससे कि आपका टेरेरियम सड़ेगा नहीं। और ये हमारी मॉस आ गई यहाँ पे। ये जो मॉस मैंने जहाँ से खरीदी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। इसको शायद से फेदर मॉस बोलते हैं, आप देख लीजिए, असॉर्टेड वैरायटी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। मैं यहाँ पे अच्छे से उसका स्केप कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कीजिए, अच्छे से उसका स्केप कीजिए। और बाद में उसे अच्छे से, अगर ऊपर ऊपर आती होगी तो उसको अच्छे से मट्टी में गाड़ दीजिए, ऐसे जैसे मैंने ये टूल बनाया है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, मेरा जैसे कि हाथ नहीं जा रहा तो मैंने टूल से बना लिया। इसके बाद आप अच्छे से पानी स्प्रे कर लीजिए, उतना ही पानी डालिए जितना मॉइस्चर बन सके, ज़्यादा दलदल मत बनाइए, ज़्यादा पानी मत डालिए, ज़्यादा पानी से दिक्कत हो सकती है आपको, वो प्लांट सड़ना शुरू हो जाएंगे। ज़रा सा ही प्लांट पानी डालिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लिंक चेक कर लेना प्रोडक्ट के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वायरीज़ को आंसर कर दूंगा वहाँ पे। तो बाय।